बहरहाल चलिए इस समय की बड़ी खबर। हरियाणा भवन में बैठक, कोर कमेटी की बैठक होगी हरियाणा बीजेपी की, 11:30 बजे समय है बैठक का। बैठक के लिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद हैं, गृहमंत्री अनिल विज भी सुबह पहुंच ही चुके थे। मंथन करेगी बीजेपी, चुनाव में जो प्रदर्शन रहा बीजेपी का उस पर समीक्षा की जाएगी। 75+ का नारा देने के बाद आखिरकार 40 पर ही क्यों अटक गई बीजेपी, जनता का विश्वास कहां हट गया, कहां चूक गई बीजेपी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा और मंथन किया जाएगा कोर कमेटी की बैठक में। तमाम सदस्य पहुंच चुके हैं दिल्ली, हरियाणा भवन में बैठक जो है वो 11:30 बजे। विनोद लांबा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। विनोद, क्या अपडेट, क्या हलचल, 11:30 बजे बैठक होनी है, इस समय वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, पहला अपडेट तो यही है कि ये बैठक अब 1:30 बजे होगी, इसे थोड़ा पोस्टपोन किया गया, क्या वजह से किया गया ये देखने वाली बात होगी। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला पहुंच चुके हैं और कोर कमेटी के अहम सदस्य अनिल विज भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। संजय भाटिया जो करनाल से सांसद हैं वो भी पहुंच चुके हैं और संगठन में अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन बैठक का जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि अब 1:30 बजे होगी ये बैठक। लेकिन उससे पहले पूजा विश्वास से आपकी मुलाकात कराते हैं और तमाम जो सवाल हैं टोटल टीवी के दर्शकों के लिहाज से भी। विशाल, बहुत स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। हमारी मुलाकात दिल्ली में पहली बार हो रही है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो महकमे आप पर हुआ करते थे, गब्बर छोड़ दीजिए, आपको मैं एक्शन मंत्री कहता हूं, जो मैं आपको परिभाषा देता हूं, एक्शन मंत्री के तौर पर आप एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। मैं गब्बर में हूं भी नहीं, मैं काम करने वाला आदमी हूं, साधारण आदमी हूं। अब गब्बर लोगों ने पता नहीं क्यों नाम दे दिया मेरे को, गब्बर थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, अब मुझे नहीं पता क्यों दे दिया लोगों ने। एक्शन मंत्री तो कह सकते हैं आपको। हाँ, काम करता हूँ मैं। आपके मंत्रालय की बात कर लेते हैं, फिर कोर कमेटी की बात करेंगे। जिस तरह से कल आप दिल्ली के सफर पर आ रहे थे कोर कमेटी के बैठक के लिए, कहा जाता है कि जो एक सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ होता है, मंत्री होता है, एक पंथ दो काज, आपने पानीपत की तरफ गाड़ी मोड़ दी, किस ये पूरा आइडिया आया कैसे कि औचक निरीक्षण से ही सबसे ज्यादा सुधार किया जा सकता है? अमूमन आप पहले भी करते रहे थे जब स्वास्थ्य मंत्री थे पिछली सरकार में। नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ता है, सब चुस्त दुरुस्त भी होते हैं और हमें भी समझने का मौका मिलता है कि कार्यप्रणाली किस ढंग से चल रही है और उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। वो मैसेज पूरा क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज्यादा मीडिया थी नहीं, क्योंकि खुद मंत्री जी औचक निरीक्षण पर पहुंच गए थे, तो ये सब एक क्लियर कट आप पुलिस वालों को कहना क्या चाहते हैं कि किस तरह की कार्य प्रणाली उनको अपनानी पड़ेगी, इस टीवी के माध्यम से आप कह सकते हैं पूरे प्रदेश के पुलिस वालों से? नहीं, मैं जितने भी मेरे पास विभाग है, मैं सबको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि काम करना पड़ेगा, काम करिए। लेकिन पुलिस महकमे में तो सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि आप औचक निरीक्षण पर आएंगे तो ड्यूटी 24 घंटे की होती है, अब वो लोग कब तक ड्यूटी देते रहेंगे? कोई रोस्टर नहीं होता, कोई छुट्टियां नहीं होती, जैसे दिल्ली की बात कर लीजिए, कई स्टेट्स में इस तरह का नियम है, क्या इस तरह भी कोई पुलिस सुधार की और भी आप आगे बढ़ेंगे, सिर्फ एक्शन होगा उन पर? नहीं नहीं, पुलिस सुधार भी करेंगे, कर्मचारियों से भी बात करेंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे और पूरी तरह से मैं इस बात से सहमत हूँ कि उनका जो है एक साप्ताहिक एक दिन का अवकाश होना चाहिए। अब ये सारा अभी डिपार्टमेंट को सारे को देख लें, उनसे बातचीत कर लें सभी लोगों से, उसके बाद इन सब चीज़ों पर हम विचार करेंगे। लेकिन बतौर गृह मंत्री आप एक बड़ी बात ऑन कैमरा, तमाम जो पुलिस वाले आपको देखे होंगे या बैंक में या स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, आप कह सकते हैं कि भाई हाँ, सुधार के प्रति भी मंत्री जी बड़े सीरियस हैं और कहीं ना कहीं उनको भी कई चीज़ों को लेकर राहत दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में मेरे जितने कर्मचारी थे उनकी जो 20-20, 30-30 साल से लंबित मांगे थी, मैंने सारी पूरी कर दी। तो मैं सभी 360 डिग्री पे काम करता हूँ, मैं जहाँ पर मैं काम करवाना चाहता हूँ और मुझे करवाना आता है, वहाँ पर जो उनकी दिक्कतें हैं वो भी मैं दूर करता हूँ। और करनाल में जाते ही, अम्बाला में जाते ही आपने कह दिया भाई जिसको रहना है ठीक है, वरना मेरा जिला छोड़ के चले जाओ, यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी दबाव में आ जाते हैं। नहीं तो ये तो ठीक बात है, मेरा नारा है काम किया है काम करेंगे, और हर अधिकारी को उस नारे के साथ चलना पड़ेगा। साहब, आपके राजनीतिक कद के हिसाब से बात की जाए तो पिछली बार मंत्रालय जो थे वो थे, लेकिन 1996 के बाद, अगर मेरी जानकारी सही, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, गृह विभाग किसी
मुख्यमंत्री के अलावा किसी मंत्री को मिला है, कद बड़ा है, मान सम्मान मिला है, क्या कहना चाहेंगे जिम्मेवारी के और तमाम जो महकमे आपके बड़े पावरफुल हैं? नहीं, 1996 के बाद से जितने मुख्यमंत्री आए उनको अपने किसी आदमी पर भरोसा ही नहीं था कि वो गृह विभाग उसको दे सकते हैं। गृह विभाग बहुत इम्पोर्टेंट विभाग होता है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को मेरे पर विश्वास है, इसलिए उन्होंने मेरे को गृह विभाग दिया है। और ये विश्वास 5 साल में और गहरा भी हुआ है? नहीं, और गहरा भी हुआ है, और बहुत पुराना है हमारा नाता मुख्यमंत्री जी के साथ, और ये और गहरा भी होगा। और गहरा भी होगा। अब सर, 2 सवाल जरूर मेरी जानकारी में आप ला दीजिए कि कोर कमेटी की बैठक 1:30 बजे हो गई है, आप लोग पहली बार बैठ रहे हैं कोर कमेटी की बैठक के लिए, क्या कुछ ऐसे विषय रहेंगे और आपको जो जाना जाता है आप मुद्दे रखते हैं बेबाकी से, पार्टी के फोरम पर भी, मीडिया के समक्ष भी? आज भी विश्व आपके पास कोई ना कोई दिमाग में होगा कि भाई वजह क्या, क्योंकि आकलन आप भी पूरे हरियाणा का करेंगे। नहीं, कोर कमेटी हमारी जो है ये मासिक बैठक होती है, ये चुनाव के बाद नहीं हो पाई थी क्योंकि व्यवस्थाएं थी सारों की, तो चुनाव के बाद ये पहली बार हो रही है, तो कोई नई बात नहीं है, इसमें हम सब तरह के विचार विमर्श करते हैं। आप तमाम चीज़ों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, मैं अब इस हिसाब से एक ईमानदारी सवाल पूछना चाहता हूँ। 47 से आप लोग आए 40 पे, 75 का नारा था, 40 पहुँच गए, आप इसे जीत देखते हैं या इसे हार देखते हैं? नहीं, हम विचार करेंगे ना इस बात के ऊपर, विचार करेंगे लोगों के जो चुनाव लड़े हैं उनके सुझाव मांगेंगे, फिर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि जो बीजेपी पूरी कुर्सी पर बैठती थी अब उसकी एक साथ में दूसरी कुर्सी लगा के गठबंधन की सरकार, पर फिर भी किसी सरकार का रिपीट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। गैर कांग्रेसी सरकार बहुत बड़ी सफलता है कि गैर कांग्रेसी सरकार रिपीट किया और हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, पहले से 3% हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। एक सवाल वो है, थोड़ा सा वाजिब तो नहीं है लेकिन पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप बड़े दो बेगाने और तमाम चीज़ों को लेकर हमलावर रहते थे, और जो मैं ट्यूनिंग आपकी देख पा रहा हूँ, हम लोग आकलन करते हैं आपकी अंदरूनी क्या बात होती है, नेताओं का अंदरूनी विषय, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जो आपकी फाइन ट्यूनिंग अब नजर आ रही है, सबसे ज्यादा आप ही कह सकते हैं कि हमलावर हुआ करते थे, ठीक है अब गठबंधन है तो अच्छी ट्यूनिंग बन रही है, दुष्यंत के साथ आप लोगों की जो विधानसभा की तस्वीरें देख लीजिए, मंत्रिमंडल की तस्वीरें देख लीजिए, काफी लंबी लंबी चर्चाएं हो रही हैं आपकी, तो लगता है दोस्ती ठीक हो गई है। दो ही मुख्यमंत्री के बाद दो ही मंत्री जो हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री हो या आप, वो बड़े पावरफुल है और पैरेलल से खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्ती अच्छी चल रही है आपकी डिप्टी सीएम के साथ भी? नहीं, तो हमारी उनके साथ कोई दुश्मनी थोड़ा है, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ा उनके साथ हमारी, पहले राजनीतिक विरोध था, अब राजनीतिक साथ है। राजनीतिक साथ, और मुझे लगता है आपको गुरु भी मान लिया, आपसे सब ज्यादा टिप्स मुझे लगता है उप मुख्यमंत्री साहब आपसे ही लेते हैं। नहीं, मैं सबसे सीनियर मोस्ट हूँ, मैं अपनी इस सरकार में, मैं 6 बार का चुनाव हुआ विधायक हूँ, बाकी कोई भी इतनी बार का चुनाव हुआ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कुछ 1-2 लोग हैं वो भी 3 बार के चुने हुए हैं, मैं ज्यादा 2 बार के ज्यादा नए विधायक हैं, तो मैं सीनियर हूँ, मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं सबको बताऊं और सब मेरे से पूछते भी हैं। निर्दलीय भी आपसे पूछ रहे हैं, निर्दलीय भी साथ हैं, क्योंकि सिर्फ रंजीत चौटाला को मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिला है? नहीं, सभी पूछते हैं और सबको बताना सिखाना मेरा धर्म भी है। नहीं, मेरा सवाल तो सिर्फ यही था, क्योंकि सरकार में आप कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम बड़े सीनियर मोस्ट मंत्री भी हैं और कद के हिसाब से भी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सपाट अगर आपसे पूछूं, क्या इस गठबंधन की सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद भी निर्दलीयों का जो भरोसा है या साथ है सरकार के साथ बना हुआ है? बिल्कुल बना हुआ, हम पहले से बड़े हैं, अब हम 57 हैं और 57 मिलकर हम एक अच्छी मजबूत पार्टी हैं और हम एक सफल सरकार चलाएंगे। और विपक्ष भी मजबूत है, हुड्डा साहब लगातार हमलावर हो रहे हैं, और आप ही मुझे लगता है उनकी इस विधानसभा में बीजेपी की तरफ से अगर कोई टक्कर ले सकता है वो आपने दिखाया भी, सिर्फ आप ही लेते हैं? नहीं नहीं, हुड्डा साहब तो कुछ नहीं है, वो तो निरुत्साहित हैं, और क्या है सर, निरुत्साहित हैं, उन्होंने बड़े बड़े सपने लिए थे, वो सपने सारे चकनाचूर हो गए, और उनके जो खास साथी थे वो सारे हार गए, कुलदीप शर्मा हार गया, सुरजेवाला हार गया, करण दलाल हार गया, जो जयप्रकाश था वो हार गया, तो बहुत निरुत्साहित हैं, और ख़ास तौर से जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनका एक पैर विधानसभा में होता है, दूसरा हाईकोर्ट में होता है, तो पूरी तरह से निरुत्साहित हैं, मुझे उन पर दया भी आती है।
दया आती है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते पराली को लेकर आप जो सरकार के तमाम जो आपने परियोजना चलाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट से भी इंस्ट्रक्शन आई, उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पोल्यूशन के लिए एनसीआर में सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराना गलत है। और आपको ये नहीं लगता कि 31 विधायक होने के चलते और खुद भूपेंद्र हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री होने के चलते जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन है सरकार को लगातार घेरेंगे? नहीं, उनमें कोई ऐसा दम नहीं है, कोई उनके पास कहने के लिए बात नहीं है, कोई उनका आपस में एका नहीं है, तो वो बहुत कमजोर विपक्ष है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि बेबाकी से आप बात करने के लिए जाना जाते हैं और हमको भी पूरी छूट देते हैं आप सवाल पूछने की, अगर मैं बतौर सीनियर पॉलिटिशियन आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, क्योंकि मैं बहुत जूनियर हूं उम्र में और तमाम चीजों में, आपसे क्या इस सरकार का भविष्य पूरे 5 साल है? पूरे 5 साल है और उससे आगे भी चलेगा। उससे आगे मतलब रिपीट के और भी अभी से प्लानिंग शुरू? बिल्कुल ठीक। तो वे साहब ने तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है, पुलिस महकमे से लेकर तमाम जो विभाग हैं, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम करना पड़ेगा। और पुलिस सुधार की ओर एक बहुत बड़ा एक राहत वाली बात ऑन कैमरा कही है कि पुलिस सुधार की ओर अगर कोई गुंजाइश है तो उसे निश्चित तौर पर किया जाएगा, एक्शन होगा, एक्शन मंत्री के तौर पर उन्हें याद किया जाए तो ज्यादा सही रहेगा, गब्बर कहना गलत होगा, और एक्शन वो पहले भी अपने तमाम विभागों में करते रहे हैं और इस बार भी पूजा यही आश्वासन दे रहे हैं। गठबंधन को लेकर सरकार को कर भी तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं। पूजा, एक सवाल जो आपने आखिरी पूछा विनोद, कि क्या रिपीट होगा, रिपीटेशन होगा सरकार का, उसमें एक सवाल ये भी पूछना चाहिए था आपको कि गठबंधन की सरकार रिपीट होगी या बीजेपी फिर आएगी फुल मेजोरिटी, जो विश्वास खोया है बीजेपी ने थोड़ा बहुत, क्या उसको इन 5 सालों में गेन किया जाएगा और उसके बाद बीजेपी के आने की बात कह रहे हैं या गठबंधन की सरकार आने की बात कह रहे थे? मैं पूछ ही लेता हूँ, एक आखिरी सवाल है, माफ कीजिएगा सर, दोबारा आना पड़ रहा है, हमारी सीनियर एंकर हैं पूजा, ये पूछना चाह रही हैं कि आपने जो मैंने जो पूछा था आपसे कि सरकार आपने कहा कि रिपीट होगी, तो गठबंधन की राह पे ही रिपीट होगी या बीजेपी अपनी राह इतनी बड़ी कर लेगी कि अगली बार अकेली आएगी? नहीं, वो समय बताएगा। ये पहला ही साल है अभी सरकार बने हैं पूजा, तो निश्चित तौर पर सीनियर जिस तरह से तमाम विभाग भी देख रहे हैं और बीजेपी के सबसे पुराने नेताओं में इस विधानसभा में सीनियर मोस्ट भी हैं, तो इस सवाल का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और एक्शन में नजर भी आ रहे हैं विनोद। बहरहाल 1:30 बजे हो चुकी है अब ये बैठक। विनोद, अब ये बताए कि इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं, फिर वजह क्या रही, टाइम के बदलने की वजह के पीछे क्या कारण है? विनोद, आप तक आवाज पहुंच रही है तो मेरा सवाल ये जी, जो नेता हैं पहुंच रहे हैं जो कोर कमेटी के, वो अभी पहुंचे नहीं थे, विस साहब से मैं आपकी बात कराई जी, आवाज आप तक पहुंच रही है, मैं अभी विस साहब से बात करके कहीं ना कहीं बाहर निकला हूं और आपसे जो तमाम सवाल है लाइव में वो मैं लूंगा आपसे। अब अपना सवाल एक बार आप दोहराइए। सवाल ये है कि पहले समय 11 बजे का आ रहा था विनोद, उसके बाद 11:30 बजे का समय आया और अब 1:30 बजे जो है वो समय किया गया है कोर कमेटी की बैठक का। कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं, कौन नहीं पहुंचे, क्योंकि खुद अगर मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं तो फिर बैठक के डिले होने का क्या मतलब है? देखिए, संगठन महामंत्री के तौर पर जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं बीएल संतोष को भी आना है और इस बैठक में अगर कहा जाए पार्टी और सरकार का छोड़ दीजिए, अगर पार्टी के हिसाब से कद की बात है तो बीएल संतोष हैं और तमाम जो नेता हैं अनिल जैन की बात कर लीजिए, डॉक्टर अनिल जैन जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रभारी भी हैं, तो इस तरह के जो बीएल संतोष स्पेशल इन्वाइटी हैं हरियाणा कोर कमेटी की बैठक के लिए, तो तमाम नेताओं की जो अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी कहीं ना कहीं रखा गया है समय, और समय को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया गया, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पहुंच गए और मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद प्रगति मैदान भी जाएंगे, जो हरियाणा का तमाम जो हरियाणा की प्रदर्शनी लगी हुई है उसको भी देखेंगे, तो ये जो साफ सीधी वजह है पूजा वो यही है कि बीएल संतोष, अनिल जैन जैसे जो तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो भी इस बैठक में हिस्सा होंगे, और सबसे ज़्यादा जो मैं बता रहा हूँ कि बीएल संतोष को इसके लिए स्पेशल इन्वाइट है और वो भी आकर बैठेंगे और तमाम हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों से चर्चा करेंगे, तो ये तमाम जो बड़े नेताओं का आने का विषय है, तो एक नॉर्मल सी बात है कि समय मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, संजय भाटिया सांसद भी पहुंच चुके हैं, तो ये तमाम नेता अपनी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन आधिकारिक रूप से जब तक बीएल संतोष नहीं आ जाएंगे इस बैठक को शुरू नहीं माना जाएगा। विनोद, अब ये बताएं, चूंकि आप अनिल विज से बात कर रहे थे, बहुत सी बातें, बहुत से सवाल आपने उनसे पूछे, एक्शन मंत्री हैं और हमने देखा औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, इससे इतर अगर हम देखें तो कैबिनेट में जाहिर सी बात है कुछ चेहरे ऐसे भी हैं
शायद 7 और 8 जो नए हैं, बेशक वो विधायक रहे हों 1 या 2 बार, लेकिन कुछ चेहरे तो बिल्कुल नए हैं, उनके कामकाज की गति कैसे रहेगी? क्या उनको भी सरकार देखेगी, उनको भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि जनता के बीच में अभी से जाना शुरू कर दें और कामकाज को देखें लगातार? देखिए, विभागों का बंटवारा होने के बाद किसी भी मंत्री के लिए सबसे पहला चैलेंज यही होता है कि उस विभाग को समझें, उसकी परेशानियों को समझें और ऑफिसर्स के साथ एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बनाकर आगे बढ़ाया जाए। और बिल्कुल सही वाजिब सवाल है कि विस साहब को छोड़ दिया जाए, डॉक्टर बनवारी लाल को छोड़ दिया जाए, तो सभी मंत्री नए हैं सरकार के लिहाज से। और रणजीत चौटाला की भी अगर आप बात करें तो करीब 30 से 35 साल के बाद वो मंत्री बनकर लौटे हैं और पहली बार ही विधायक, मतलब दूसरी बार ही विधायक बनकर सीधा मंत्री बने। तो सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है। कमलेश ढांडा की आप बात कर सकते हैं, जेपी दलाल की आप बात कर सकते हैं, या मूलचंद शर्मा की आप बात कर सकते हैं। मूलचंद शर्मा तमाम पदों पर पार्टी में तो रहे थे और भी कई पार्टियों में रहे थे, लेकिन मंत्री नहीं बने थे। तो निश्चित तौर पर यह चैलेंज रहेगा, लेकिन लोगों के बीच जाने के साथ साथ ही विभाग को समझने के लिए कई मंत्रियों से बातचीत हमारी हो भी रही थी। और साफ तौर पर, और विस साहब ने जो एक बड़ी बात कही थी, विस साहब साफ तौर पर कहते हैं कि सबसे पुराना सीनियर लीडर मैं हूं, और खासतौर से सत्ता पक्ष में तो मेरे पास तमाम लोग आते हैं, और उप मुख्यमंत्री लेवल के भी अगर नेता आते हैं, उनकी उम्र छोटी है, ठीक है, पद बड़ा मिला है, तो ये चीज बताती है कि बीजेपी में खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल विज साहब जैसे जो सीनियर मंत्री हैं, एक मार्गदर्शन के रोल में भी कहीं ना कहीं नजर आएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है विनोद, जो कि आपने भी पूछी, अपने पास बहुत ज्यादा इस बार डिपार्टमेंट नहीं रखे हैं, क्योंकि वो ऊपर से कहीं ना कहीं, सबसे अच्छी बात तो ये है विनोद जो आपने पूछी थी, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, ऐसे में दूसरे दल का सहयोग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो इस समय तालमेल नज़र आ रहा है, जो ट्यूनिंग नज़र आ रही है विज साहब और डिप्टी सीएम के बीच में, वो बहुत ज़रूरी भी है अगर आप गठबंधन की सरकार प्रभावी ढंग से चलाना चाहते हैं तो। पूजा, हम और आप जिस तरह से तमाम चीजों पर नजर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सरकार के जो पक्ष होते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाता है, क्योंकि क्या अंदरूनी बात हो रही है ये कोई भी नेता शायद आकर ना बताए, तो लेकिन बॉडी लैंग्वेज हमें दिख रही थी और एक तरह से ट्यूनिंग सी अच्छी बन रही थी। और आपको याद होगा मानहानि से लेकर तमाम कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता राजनीतिक रूप से जो झगड़ा मोल चल रहा था अनिल विज और दुष्यंत चौटाला के बीच, अब उसकी कड़वास कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। और साफ तौर पर विज साहब ने भी साफ तौर पर कहा कि जब विरोधी थे तो विरोधी की तरह ट्रीट किया जाता था, अब संगठन में और संगठन नहीं सरकार में, गठबंधन की सरकार में सहयोगी है तो सहयोगी की तरह साथ दिया जाएगा और जो भी उनको सलाह चाहिए होगी वो भी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो भी गठबंधन की सरकार के पेच होते हैं, तमाम जो सीनियर लीडर्स होते हैं उन्हें बखूबी समझते हैं, और यही वजह है कि अच्छी सी केमिस्ट्री बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका विनोद लांबा, आप नजर बनाए रखें, आपसे हम अपडेट लेंगे 1:30।